नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल अंसारी, आपका एक फ्रेश न्यू वीडियो में ऑन माय चैनल निक बुक। मैं हूँ आज बबेली में, जो कि हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज़। सो पैराग्लाइडिंग के लिए तो अभी टाइम नहीं है, बट आई एम गोइंग टू एंजॉय रिवर राफ्टिंग। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर राफ्टिंग की टोटल इंडिया में अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है। तो इंडिया में देखा जाए तो ऋषिकेश, मनाली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, कुर्ग और सिक्किम में आपको रिवर राफ्टिंग की फैसिलिटीज़ मिल सकती है। बट मनाली एक रिवर राफ्टिंग के लिए अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे आपको बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, जैसे स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस स्केटिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का यहाँ पे भंडार लगा हुआ है। बट अगर आप ज़्यादा थ्रिलिंग एक्टिविटी करना चाहते हो तो आप रिवर राफ्टिंग या फिर पैराग्लाइडिंग की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं हिमाचल की, या फिर एक टोटल हिमाचल का ओवरव्यू करते हैं। तो हमें हिमाचल में टोटल 4 रिवर्स है, जो कि है ब्यास, चेनाब, सतलज और रावी। इनमें से अगर मैं एक बेस्ट ऑप्शन चुनूँ तो ब्यास एक बेस्ट ऑप्शन होगा रिवर राफ्टिंग के लिए। इसमें टोटल 20 किलोमीटर्स का स्पैन मिल जाता है, जहां पर इस रिवर का फ्लो एक मीडियम टाइप का है, तो रिस्क भी मिनिमम हो जाता है और मज़ा भी बहुत आता है। इसके सीज़न वाइज अगर बात की जाए तो जून टू जुलाई एक बेस्ट ऑप्शन होगा रिवर राफ्टिंग करने का, या फिर अगर आप हिमाचल घूमना भी चाहते हो तो जून टू जुलाई इज़ अ गुड टाइम। ये मानसून टाइम में ये जो एक्टिविटी है रिवर राफ्टिंग की, ये ऑफ रहती है, जो कि फिर से मानसून के बाद खुल जाती है लेट अक्टूबर नवंबर के सीज़न में, तो वहाँ जाके वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये जो लोकेशन आप फुटेजेस में देख रहे हो, तो ये लोकेशन है बबेली का, जहाँ पे मैंने रिवर राफ्टिंग की थी ब्यास रिवर में। तो यहाँ की अगर मैं मेनली बात करूँ तो ये मीडियम रिस्क रिवर है, जो कि आपको मज़ेदार एक्सपीरियंस देगी। और अगर यहाँ की प्राइस या फीस की मैं बात करता हूँ तो ये फीस आपको कुछ अराउंड 400 टू 500 पर पर्सन हो जाएगी। और अगर आप ग्रुप्स में जाते हो तो कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है, और उसके बाद आप 300 या फिर 250 तक भी ड्रैग कर सकते हो प्राइस को। अगर आप वीडियो शूट वगैरह लेना चाहते हो, जो कि आपका ट्रेनर होगा या फिर जो भी बोट चला रहा होगा, तो वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज करता है, उसके पास गोप्रो वाला कैमरा होता है, ये उसी से ली हुई फुटेजेस है, तो वो उसके लिए कुछ 1000 रुपीस चार्ज करता है। देन यू हैव टू गेट योर कंट्री एंड उसको आप कंट्री में पैसे दे सकते हो, तो कुछ इस टाइप का सीन रहता है अगर आपके पास कुछ वाटरप्रूफ कैमरा नहीं है तो। अगर है तो फिर आप वो ले जा सकते हो, बट अपने रिस्क पे। यहाँ के रिस्क की बात करूँ तो ये मीडियम रिस्क का है, ज़्यादा रिस्की भी नहीं है, बहाव इतना तेज़ नहीं होता है, हार्श नहीं होता है। तो ये बबेली में जो रिवर राफ्टिंग होती है तो वो टोटल स्पैन होता है कुछ 9 किलोमीटर्स का, तो ये 9 किलोमीटर्स तक की रेंज में आपको ले जाते हैं। और टाइम अगर इसके जो टाइम जो लगता है वो होता है कुछ अराउंड 40 to 45 मिनट्स का टाइम लग जाता है। बट अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हो तो उसको आप उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, मिनिमम आपके पास 2 to 2.5 आवर्स या फिर 2.5 आवर्स आपके साथ आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप पैराग्लाइडिंग के लिए जा सकते हो। अगर उसके चार्जेस की बात करूँ तो उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, आपको 1500 के आसपास कुछ चार्जेस उसके लिए होते हैं, और उसके लिए भी कैमरा वगैरह इसका चार्ज कुछ अलग रहेगा। अगर आपके पास कैमरा वगैरह है तो वो आप कैरी कर सकते हो। सो अगर आप अपनी मनाली ट्रिप प्लान कर रहे हो तो उसके साथ ही साथ ये रिवर राफ्टिंग भी ज़रूर प्लान कीजिए। यहाँ का ठंडा ठंडा पानी, तेज़ तर्रार बोट्स, और साथ ही साथ आपके बोट का जो नाविक होगा उसकी गो बैक एंड गेट डाउन वाली आवाज़ें, जिसमें वो आपको बैठने या फिर वहाँ बोट पे उठने के इंस्ट्रक्शंस देता है, साथ वो भी एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा। साथ ही साथ यहाँ का ठंडा ठंडा पानी जो होता है, पूरा ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ अभी पिघल के जो पानी बना है, वो भी एक एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार होता है। सो वो भी एक मस्त मज़ेदार एक्सपीरियंस आप ले सकते हो।
सो अगर आपको मनाली में रिवर राफ्टिंग करनी है तो उसके लोकेशन की डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आपको हिमाचल की बाकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी ऊपर आई बटन में पॉपअप होके आ रहा होगा, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी लिंक्स मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप मेरे बाकी हिमाचल के वीडियोज़ भी देख सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप इस चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Thank you so much for watching this video, guys. See you in my next video. Bye-bye.